नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। और भाई चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे चैनल थोड़ा डाउन है इस वक्त। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई जॉन डियर का 5300 CRDI। ये ट्रैक्टर भाई राजा है। जो कहते हैं ना हम कि 5300 जॉन डियर कोई राजा आखिर एक ही होता है, यही है वो राजा भाई। अब राजा की ताकत और बढ़ गई है भाई। अब ये ट्रैक्टर 57 HP में आ रहा है। 55 HP से थोड़ा और बढ़ा दिया है। CRDI में जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी पावर थोड़ी सी और बढ़ गई। फ्रंट में आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी। ये देखिए कितनी तगड़ी लाइट्स हैं इसकी। और लुक ही कुछ अलग ही बनाया है भाई। फॉरेन में जिस तरीके के जॉन डियर के ट्रैक्टर्स चलते हैं उस हिसाब के ट्रैक्टर्स हैं। और यहाँ पे जॉन डियर का डिसेंट लोगो दिया गया है और बड़ी सी जाली दी है ताकि ट्रैक्टर की कूलिंग सिस्टम सही रहे। चलिए अब आते हैं आगे। तो आपको यहाँ पे फ्रंट एक्सल दिया हुआ है। ये जो फ्रंट एक्सल है वो लोडर डोजर के लिए बेस्ट होता है। सबसे मतलब हैवी काम के लिए आपको ये जो फ्रंट एक्सल है इसमें आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें आपको दो एक्सल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। एक दाना का है और एक आता है भाई करारो का सिस्टम आता है इसमें फ्रंट एक्सल में। तो आप आपकी चॉइस है, आप करारो का फ्रंट एक्सल लेना चाहते हैं या फिर दाना का फ्रंट एक्सल लेना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैक्टर में यहाँ पे 5300 की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे जॉन डियर की ब्रांडिंग दी गई है। साथ में ही यहाँ पर पावर ट्रैक गियर प्रो और 4WD V1 गियर प्रो ये यहाँ पर ब्रांडिंग्स दी हुई हैं। और साथ में जॉन डियर की 25 साल पूरे होने के यहाँ पे बैजिंग दी हुई है कि जॉन डियर को यहाँ पर लगातार काम करते हुए 25 साल हो चुके हैं। साथ में फ्रंट में आपको 9524 के टायर मिल जाएंगे। ये देखिए 9524 के आपको यहाँ टायर मिलेंगे, MRF के टायर्स हैं। और पीछे के आपको 1628 के टायर मिल जाएंगे। ये देखिए आगे हम बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देख लो आप, बाकायदा मैटिंग वगैरह दी हुई है। उसके पहले भाई अंदर ट्रैक्टर के हम कैबिनेट में घुसे उससे पहले ट्रैक्टर के इंजन को देख लेते हैं भाई। तो CRDI इंजन है और अब हम बोनट खोल के देखते हैं इंजन का। चाबी आ गई है। और यहाँ पे जॉन डियर की मुझे एक ख़ास बात लगती है कि ये जो की लॉक वाला सिस्टम देती हैं और की लॉक के ऊपर भी आप देखो इतना प्यारा सा एक लॉक कवर दे दिया होता है ताकि आपका स्विच ख़राब ना हो। अब आपको इस तरीके से खोलना पड़ता है और इस बोनट को आराम से उठा दीजिए और इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आराम से खुल जाएगा आपका बोनट। और इतना काफ़ी हाइट तक जाता है बोनट। और यहाँ पे बोनट बंद करने के लिए यहाँ पे एक वायर भी दे दी गई है और बोनट को ऊपर उठाने के लिए दो स्टड्स दिए हुए हैं, एक ये है और एक उस तरफ दिया हुआ है। अब बात आते हैं भाई इंजन की तरफ। तो स्टार्टिंग से चालू कर लें इंजन की तरफ। तो यहाँ पर आपको बैटरी दे दी गई है और यहाँ पर आपको बड़ा सा एयर फिल्टर दिया होता है, ड्राई टाइप का फिल्टर है। और साथ में भाई रेडिएटर की टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, यहाँ पे भाई 4 रेडिएटर दिए हुए हैं। आप कहोगे 3 ही रेडिएटर हैं भाई, ये 1, 2, 3, तो भाई चौथा भी मतलब बताता हूँ आपको, कोई भी यूट्यूबर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। यहाँ पे देखिए आपको पहले मिल जाएगा डीजल कूलर जो आपका डीजल को ठंडा करेगा। नेक्स्ट आता है आपका टर्बो इंटर कूलर, ये टर्बो की जो हवा यहाँ से जा रही है पास होती है वो ठंडी करके आपको आगे इंजन में भेजेगा। और तीसरा आता है आपका जो ट्रैक्टर का खुद का रेडिएटर होता है जिसमें आपका पूरा कूलेंट दौड़ता है। अब चौथा जो रेडिएटर है भाई वो कंपनी ने CRDI ट्रैक्टर्स में ही लॉन्च किया है, ये हाइड्रोलिक और ट्रांसमिशन ऑयल कूलर। तो यहाँ पे जो ऑयल चलता है, यहाँ पे जो पीछे हिस्से में जो ऑयल चलता है वो कई बार गर्म हो जाता है, तो उस वजह से ट्रैक्टर की गियर्स वगैरह की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, लाइफ घट जाती है, उसके लिए यहाँ पर ऑयल ठंडा होता है भाई। अब आते हैं भाई अगली बात पे। तो रेडिएटर को जो है पूरी तरीके से कवर करके दिया गया है, इतनी अच्छी जाली दी है ताकि इस पर किसी भी तरीके की धान या पराली में हम रैपर वगैरह चलाते हैं तो उस पर ये चोक ना हो। और चोक होता भी है तो आप इसको सिर्फ इसको निकालना है आपको, और कोई चीज़ नहीं करनी कि रेडिएटर पर प्रेशर मारोगे तो उसके फिन्स टेढ़े हो जाते हैं। जिस तरीके से देखिए ये ओपन था इस वजह से इसके फिन्स टेढ़े पड़ गए हैं। अब आते हैं आगे बात में। तो ये ट्रैक्टर पहले 55 HP में आता था बट नहीं पूरा 57 HP का ट्रैक्टर है। और
यहाँ पे आपको कूलेंट विथ ओवरफ्लो रिजर्वायर दिया गया है, आपका एक्स्ट्रा कूलेंट जो है इस डिब्बे में स्टोर हो जाएगा। और बात आती है आगे इंजन के CRDI टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे देखिए ये आपको ये जो है पंप है, ये CRDI पंप है और यहाँ पे यही मेन पार्ट है, यहीं से आपका पूरा डीजल आएगा और यही पंप करेगा। और यहाँ पे मोटर्स वगैरह लगी हुई हैं कुछ, तो यही आपका पंप को पंप करेगा। यहाँ पे दो डीजल फिल्टर दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, CRDI में कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर ले तो लेते हैं बट थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर हमारा धोखे से कभी भी पहले, वैसे तो डीज़ल ख़त्म होना नहीं चाहिए पर अगर ख़त्म होता है तो आप इसको दबा कर आप उस डीज़ल के बीच की हवा, जो लाइन की हवा रहती है उसको आप निकाल सकते हो। यहाँ पे भी देखिए सेंसर दिया हुआ है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, ये जो प्रेशर ताकि आपका मीटर में आपके पता चलता रहे। यहाँ पे दो फिल्टर दिए हुए हैं, नीचे आपको इंजन की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और ये ट्रैक्टर जो है अब प्रेजेंटली इंडिया ही में बन रहा है, तो मेक इन इंडिया अच्छी बात है भाई। भाई इस ट्रैक्टर में एक ख़ास बात और है, पूरी जो कॉमन रेल है ना वो थोड़ी सी अंदर दी गई है और भाई पूरी कॉमन रेल एक कवर्ड है भाई, एक कवर लगाया गया है उसके ऊपर ताकि इसको किसी भी तरीके की मतलब किसी भी चीज़ में मतलब प्रॉब्लम ना आए, टूट फूट ना हो उस पर। और पूरा ट्रैक्टर सेंसर्स पे दिया गया है भाई। और भाई जॉनडियर की एक ख़ास बात, ये जो लाल की मिल रही है आपको, ये इसका मतलब है कि इस ट्रैक्टर में ये जॉनडियर 5310 में आपको हीटर मिल रहा है। मतलब आप जब ठंड में या फिर किसी भी और ठंडे प्रदेशों में आप जाते हो तो ट्रैक्टर को जब सुबह पहला स्टार्ट लगाना पड़ता है तो इस चाबी को आप स्विच में लगाइए। इस तरीके से आपने स्विच में लगा दिया, आपने एक बार स्विच दबाएंगे आपके मीटर्स चालू हो गए। और इस चाबी को थोड़ा सा दबाए रखोगे तो ट्रैक्टर का हीटर चालू हो जाएगा। और अब जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करोगे तो ट्रैक्टर किसी भी तरीके कच्चा धुआं नहीं देने वाला है। तो ये चीज़ जॉन डियर ने काफ़ी सोच समझ के, भाई टेक्नोलॉजी तो बहुत तगड़ी है जॉन डियर की। और अब आते हैं थोड़ी सी ट्रैक्टर के मीटर्स वगैरह पे। तो ये मीटर जो है भाई बहुत एडवांस लेवल का मीटर लगाया भाई जॉन डियर ने। और यहाँ पे आपको ट्रैक्टर में कुछ भी हो रहा है, आपके पिछले हिस्से में कुछ भी हो रहा है, आपके फ्रंट में, इंजन में हीटिंग, ओवरहीटिंग, या फिर आपका रेडिएटर चोक है, आपका एयर क्लीनर चोक है, या किसी भी तरीके की कुछ भी चीज़ हो रही है, तो आपको इस मीटर में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको ट्रैक्टर में किसी भी तरीके की मैनुअली कहीं नहीं जाना कि देख उतर के नहीं देखना कि आपको कि आपके ट्रैक्टर में क्या ख़राबी आ गई, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। और ये देखो जैसे ही मीटर को, तो पूरी लाइट्स, पूरे इंडिकेटर्स एक बार चेक होते हैं। ये देखो भाई पूरे इंडिकेटर्स चेक हो गए। और यहाँ पे आपको ये देख लो, यहाँ पे आपको टेम्परेचर का मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल का मिल जाता है, यहाँ पे आपको आवर मीटर मिलता है, इसी के साथ आपको ये देखो आपको किलोमीटर पर आवर स्पीडोमीटर भी मिलता है भाई इस ट्रैक्टर में। आप सोच सकते हो कि स्पीडोमीटर भी मिल रहा है ट्रैक्टर में जैसे बाइक्स में। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 33.9 मतलब 34 किलोमीटर तक भाग सकता है, 34 किलोमीटर एक घंटे में 34 किलोमीटर तक भाग सकता है। मेरा IU कुछ इस तरीके का है, यहाँ से आप देख सकते हो ऐसा दिखता है कुछ मेरे को ट्रैक्टर भाई। और हैंडल भाई डिसेंट है, थोड़ा ट्रैक्टर की आवाज़ सुन लेते हैं। क्लच बहुत सॉफ्ट है भाई इसका, ऐसा लगता है जैसे कार में बैठे हो आप। ये देखो मैंने पार्किंग गियर पर ट्रैक्टर लगाया हुआ है, तो पार्किंग में पीछे पी दिखा रहा है, देखो आप रेड कलर का पी दिख रहा है आपको। और यहाँ पे दो मोड दिए हुए हैं भाई, ये दो मोड हैं यहाँ पे। और स्टैंडर्ड मोड में आपको पूरे 57 HP की पावर मिलेगी और यहाँ पे आपको 50 HP की पावर मिलेगी। और अगर रोड पे चलाना है तो आप इको मोड पे भी कर सकते हो, फ़िलहाल ये स्टैंडर्ड मोड पे ही रहेगा। ये आपको हैंड थ्रोटल पोजीशनिंग सिस्टम है। और अब देखते हैं स्टार्ट होने पे ये कितना ज़्यादा धुआँ देता है। देखो भाई बिल्कुल भी धुआँ नहीं है ट्रैक्टर में। और ट्रैक्टर के 850 RPM कुछ दिए हुए हैं, 900 के करीब ही है। और ट्रैक्टर में भाई किसी भी तरीके की वाइब्रेशन वगैरह है ही नहीं भाई, किसी भी तरीके का वाइब्रेशन नहीं है। मैं बैठा हूँ, आप बॉटल रख दो भाई, कुछ भी नहीं होने वाला इस पर। और अब हम करते हैं 1500 RPM भाई, देखो ये देखो भाई किसी भी तरीके की वाइब्रेशन नहीं है यहाँ पे इस पर। और बहुत तगड़ा ट्रैक्टर बनाया भाई, देखो आप
और ट्रैक्टर के आरपीएम पकड़ने की स्पीड देखना आप, थोड़ा सा डिले है भाई मीटर में, ये देख लो भाई आवाज़ देख लो, धुआं किसी भी तरीके का नहीं है, कितना भी आप रेस दे लो धुआं नहीं दिखेगा आपको किसी भी तरीके से। और ट्रैक्टर भाई चाबी से ही बंद हो जाएगा, ये देखो। और यहाँ पे आपको लाइट्स के टॉगल स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं, और भाई वो देख लो वहाँ पे, देखो आप लाइट्स की थ्रो देखना भाई, दिन में भी उजाला कर देता है, ये देखो। और यहाँ पे देख लो भाई पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा मैटिंग दी गई है, पूरे प्लेटफॉर्म पे मैटिंग दी गई है। और ये जो एक्सीलेटर है भाई इतना सॉफ्ट है ना कि आपकी कार का स्टीयरिंग वो एक्सीलेटर क्या सॉफ्ट होगा। और सस्पेंडेड पेडल दिए हुए हैं, हाइड्रोलिक वाले ब्रेक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको परमा क्लच मिलता है भाई जॉन डियर का एज़ यूजुअल, है ना। अब आ जाते हैं ट्रांसमिशन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको चार रेंजेस मिलती हैं ए बी सी डी। और यहाँ पे आपको मेन लीवर में मिलेगा आपको 1 2 3 और रिवर्स, और साथ में ही जॉन डियर के सभी ट्रैक्टर्स के जैसे यहाँ पे मिलेगा आपको एक पार्किंग एयर, और ये लगा दिया हमने पार्किंग एयर। ये भाई यहाँ पे लीवर्स की, तो लीवर्स को थोड़ा सा चेंज किया गया है, पहले पुराने ट्रैक्टर्स में इस तरीके के नहीं आता था, ये CRDA मॉडल्स में ही लीवर का फॉर्मेट चेंज किया गया है। तो ये आपको PC लीवर, ये आपका ड्राफ्ट कंट्रोल, ये पोजीशन कंट्रोल, और यहाँ पे आपको आपके SCV ट्रॉली वगैरह के लिए जो ये आपको दो वेल्व को कंट्रोल करने के लिए ये लीवर दिया गया है। साथ में अगर आप टॉप मॉडल वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको PTO का लीवर ना मिलकर यहाँ पर PTO की बटन मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं भाई, तो यहाँ पर आपको PTO का लीवर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 540 और 750 के राउंड्स चेंज करने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है भाई जो सॉकेट है आपका, ये जो सॉकेट दिया हुआ है ये है डायग्नोज वाला सॉकेट। ये अगर ट्रैक्टर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो कंपनी वाले इसमें सॉकेट में अपना सॉकेट सीधा जोड़ के और लैपटॉप से क्या क्या प्रॉब्लम है ट्रैक्टर में वो आपको निकाल के और कंप्यूटर में आपको शो करने लगेगा कि ट्रैक्टर में इस पार्ट पर इतनी दिक्कत है या फिर कितने परसेंट की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अब आते हैं बात नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आपको 4 व्हील और 2 व्हील का सॉकेट लीवर दिया हुआ है। जो ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म है पूरा पीछे तक कवर कर दिया है भाई इस बार, मतलब कई बार ऐसा होता था कि पडलिंग वगैरह में मिट्टी वगैरह ऊपर आती थी, जब रोटावेटर चलाते थे तो धूल वगैरह ऊपर आ जाती थी। अच्छा वहाँ पर आपको टूल बॉक्स दिया हुआ है। थोड़ी सी एक और छोटी सी चीज़ कि यहाँ पे ट्रैक्टर में थोड़ा सुधार और कर दिया गया है, पहले यहाँ पे आता था ये जो फ्यूल का मीटर है वो इस यहाँ पर प्लेस होता था, तो थोड़ा सा फ्यूल मापने की जो उसकी एफिशिएंसी थी थोड़ी कम थी, अब ये जो है सीधा ऊपर लगा दिया है तो थोड़ा सा बेटर एफिशिएंट वो दिखा देता है कि भाई कितना डीजल है और कितना कितना लेवल्स आ रहा है उसका। और मैं जॉन डियर में एक कहना चाहूँगा कि ये जो छोटा सा सॉकेट है इसको भी पूरा अच्छे तरीके से कवर कर दें, क्योंकि कई बार किसान भाई के साथ कुछ भी कई लोग बैठ जाते हैं, वो थोड़ा अगर पैर वैर रख दें तो ये टूट सकता है। और नेक्स्ट आता है भाई डीजल कैप, डीजल कैप में भी देखो आप छोटा सा एक कवर दिया हुआ है ताकि डीजल कैप का आपका स्विच ख़राब ना हो। और अब चलते हैं हम पीछे, और पीछे देखते हैं पिछले हिस्से में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो भाई पिछले हिस्से में आपको प्लेनेटरी ड्राइव एज़ यूजुअल, जो जॉन डियर का खुद का एक्सल है, और यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सिस्टम, 3 सेंसिंग पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह लगाने के लिए ट्रेलर सॉकेट मिल जाता है, आपके डुअल SCV वॉल्व्स हैं, आप चाहो तो दो और बढ़ा सकते हो। भाई एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे आप जॉन डियर पहले चेंज देती थी, अब जैक देने लगी है, और टैंक जो है आपको 68 लीटर का टैंक मिलेगा आपको, PTO मिलेगी। और ये देख लो भाई PTO में इस तरीके का कवर मिलता है, और इस कवर को हम लगा देते हैं वापस। नीचे आपको एक PTO फीमेल PTO सिस्टम भी मिल जाता है। लोडर डोजर के लिए आपको पंप लगाना तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। पूरा देखो आप हिच के लिए भी कवर दिया गया है यहाँ पे, ये सेंसिंग रॉड दी भाई। था आज के वीडियो में भाई इतना ही किसान भाइयों, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। और चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, सभी भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना भाई जितने लोग हो,
और सभी को बोलो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, वो उनके कंप्लीट करने हैं मुझे। धन्यवाद।